आज यहाँ जो सम्मेलन हो रहा है, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, आनंदा और साथियों, महाराष्ट्र में हम किसान आंदोलन चलाते हैं और हमारी एक छोटी सी पार्टी, हमें जो दिक्कतें आती है वहाँ, उस बारे में खास करके मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज की तारीख में दूध का उत्पादन जो किसान देते हैं, वही एक घाटे का सौदा है। गाय की दूध की लागत कम से कम 30 रुपए से भी ज़्यादा है और भैंस के दूध का लागत 40 रुपए से भी ज़्यादा जा चुका है। और इस तरह से ये पशु पालना मुश्किल हो रहा है किसानों को। जब अकाल पड़ता है तो उसकी मुश्किलें ज़्यादा बढ़ती है। और जब किसान किसी मुसीबत में पड़ता है, कोई उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो पहले तो ये सुविधा थी कि वो मार्केट में जाकर अपनी गाय भैंस बेचता था और पैसे उसकी जो भी समस्या है वो हल करने की कोशिश करता था। लेकिन सरकार ने जो ये गौवंश हत्या बंदी का कानून बनाया, उसके बाद एक एक मार्केट बंद होते जा रहे हैं। एपीएमसी में जो हमारे यहाँ गाय भैंस की जो बाजार होता था वो तो धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, क्योंकि अगर कोई किसान बैल खरीदना चाहता है, गाय खरीदना चाहता है या भैंस खरीदना चाहता है, लेकिन बेचने वाला आने के लिए तैयार नहीं। अगर बेचने के लिए लेके जाता है तो कोई बीच में गो रक्षक आता है, पुलिस के साथ आता है, उनको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। मैं पिछले 2 महीने पहले यवतमाल में इधर के जहाँ सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या वहाँ गया था, तो वहाँ के किसानों ने मुझे एक पर्ची दिखाई। उसमें एक किसान अपने मार्केट से गाय खरीद कर अपने घर जा रहा था, तो वो रक्षकों ने उनको रोक दिया। बाद में पुलिस आ गई और उसके बाद गो रक्षक मंडल की एक 40,000 की रिसीट उनको दे दी और बाद में वो छोड़ दी। तो इसका मतलब एक पैसा कमाने का एक धंधा ये गो रक्षकों का हो गया है, लोगों को लूटने का, किसानों को लूटने का धंधा आज की तारीख में हो रहा है और पुलिस उनके साथ है। हम मैंने कहा कि इस तरह से कहीं भी अगर गो रक्षक बीच में आते हैं तो हम किसानों को भी एकजुट होकर उनको पीटना चाहिए, उनके साथ प्रतिकार करना चाहिए। इस तरह से आंदोलन हमने अब शुरू कर दिया महाराष्ट्र में, क्योंकि इस तरह से अगर कोई बेच नहीं पाता, कोई खरीद नहीं पाता, तो घर में क्या करेंगे इस जानवरों को रखकर? अगर चारा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो किसान करेगा क्या? कभी कभी कोई गाय या हो या भैंस हो, कोई डिशीज होते उसके होते हैं, वो दूध नहीं दे पाते हैं तो उसको बेचना पड़ता है, स्लॉटर वाले आके ले जाते हैं, लेकिन आज वो भी खरीद नहीं रहे हैं। तो ये जो निकम्मे जानवर है उनको संभालते संभालते किसानों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसके बाद और ये गो हत्याबंदी का जो कानून बना है वो किसानों को तो किसानों के ऊपर तो जुर्म ही है, लेकिन गांव में जो बाकी लोग जो चमड़ी कमाने का काम करते हैं, बाकी लोग धंधा करते हैं, वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में खास करके जो कोल्हापुर की जूते बहुत ही मशहूर है पूरे देश में, वो जूते बहुत फेमस है, लेकिन उस धंधे के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि वहाँ चमड़ा ही नहीं मिल रहा है। इस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था इन्होंने ध्वस्त करने की कोशिश की है।
मेरी पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से मैं यहाँ आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर इसकी तरफ आप लड़ रहे हो तो हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ है, ये संघर्ष हम आगे लेके जाएंगे। क्योंकि ये किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, और ये जो गोरक्षक है ये सारे किसानों के आम गांव के लोगों के खिलाफ अपना धर्म उनके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद शाकाहारी हूँ, फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूँ। अगर कोई निकम्मा जानवर है तो उसको काटना ही चाहिए, वो धरती पे क्यों बोझ हो रहा है। इसलिए जो सालों से हम जो व्यवसाय करते हैं, जो काम करते हैं, उसके ऊपर अगर कोई कानून आता है, कोई कानून करता है, तो पूरी ताकत के साथ उसको हमें विरोध करना चाहिए। बस अपने पार्टी की तरफ से मैं इतनी बात कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।